हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन एसपी इडियोमो। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो 10वां फाइलम है, हेमिकार्डेटा एंड कार्डेटा। सॉरी गाइस, मैं लेक्चर डिलीवर करने में लेट हो गया हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी था, तो मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। यू आर वेलकम। सब्सक्राइब एसपी इडियोमो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। सो हमारा जो फाइलम है वो है हेमी कोऑर्डेटा, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं हाफ कोऑर्डेट्स भी बोलते हैं। देन अप्रोक्स 90 स्पीशीज आइडेंटिफाई। इसको हाफ कोऑर्डेट यानी कि जो ये पूरी तरह से कोऑर्डेट नहीं है, इनको हाफ कोऑर्डेट बोलते हैं। आधे जो कोऑर्डेटा होते हैं आधे हैं, ठीक है, आधे अद्धरज्जू बोल सकते हैं हिंदी में इनको। एंड 19 स्पीशीज की आइडेंटिफाई की जा चुकी है। अगर ग्रीक वर्ड से लेते हैं हम तो हेमी मतलब होता है हाफ, एंड कोऑर्डेट का मतलब होता है कॉर्ड, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है या फिर जो नोटोकॉर्ड होती है वैसी कॉर्ड होती है इनमें। देन टंग वॉर्म भी बोलते हैं इनको एंड एक्रोवॉर्म भी बोलते हैं इनको। देन नॉन कार्डेट फाइलम्स, ठीक है, इनको नॉन कार्डेट फाइलम भी बोल सकते हैं अपन। हेमी कोऑर्डेट्स हैव अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स इन द कोलर रीजन्स कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड, स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। यानी क्या होता है कि इनके कोलर वाले क्षेत्र में, ठीक है, रीजन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड, और वो सिमिलर होता है नोटोकॉर्ड की तरह, बट नोटोकॉर्ड नहीं होता है इनमें। एंड मेरीन एनिमल्स होते हैं, सारे पानी में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं। देन ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है इनके अंदर। देन ट्रिपल ब्लास्टिक एंड सिलोमेट्स होते हैं। देन द बॉडी इज अ सिलेंड्रिकल, इसकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंडर जैसी होती है। एंड बॉडी इज डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप में डिवाइड किया है पूरी बॉडी उसको, जिसमें फर्स्ट इसका जो हेड वाला रीजन होता है उसको प्रोबोसिस बोलते हैं, एंड एक कॉलर रीजन, एंड एक होता है लॉन्ग ट्रंक होती है, यानी कि इसकी जो पूरी बॉडी धड़ है जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में। एंड डाइजेशन इसमें अंदर कंप्लीट होता है। देन सर्कुलेशन की अगर बात करें तो सर्कुलेशन और सिस्टम इज ओपन टाइप, ठीक है, सर्कुलेशन सिस्टम इसमें ओपन टाइप का होता है, क्लोज नहीं होता है इसमें। एंड रिस्पायरेशन जो गिल्स के द्वारा होता है। एंड बॉडी पोर्स, इसकी बॉडी में बहुत सारे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं जिनके थ्रू इसमें रिस्पायरेशन होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की अगर बात करें तो इज प्रोबोसिस ग्लैंड, यानी कि इसके अंदर एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जो उत्सर्जी अंग होते हैं वो क्या होते हैं कि प्रोबोसिस जो ग्लैंड होती है वो करती है। एंड मेल एंड फीमेल आर सेपरेट होते हैं इसमें, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हिज एक्सटर्नल होता है, इसमें अंदर नहीं होता है। डेवलपमेंट इन हिज इनडायरेक्ट, तो इसमें जो डेवलपमेंट होता है इसका वो इनडायरेक्ट से होता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो बेलेनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस इपेरेट, ये तीनों एग्जाम्पल इसके। और मैंने यहाँ पर डायग्राम दिया है बेलेनोग्लोसस का, ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रोबोसिस जो है इसका हेड वाला रीजन है। देन ये जो कॉलर रीजन दिख रहा है आपको, ये इस टाइप होता है इसमें, जिसको अपन बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड, सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। और इसका जो ट्रंक है, ये धड़, इसकी जो बॉडी होती है उसको बोलते हैं ट्रंक। सो ये डायग्राम इसका। देन अब हम स्टार्ट करेंगे जो 11 वाला फाइलम है हमारा, वो है कोऑर्डेटा। ये लास्ट फाइलम है हमारा इस चैप्टर का, एनिमल किंगडम का। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट एंड नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और यहीं पे हमारी फर्स्ट यूनिट भी खत्म हो जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डेटा मतलब क्या होता है, मतलब ये कैसे, मतलब ये जो फाइलम है ये एडवांस लेवल का फाइलम है, इसमें अच्छा विकास हो चुका है, इस फाइलम के अंदर जो एनिमल्स हैं उनमें डेवलपमेंट हो चुका है, ठीक है। सो द प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड, अ डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड फ्रेंजियल गिल स्लिट्स, यानी कि क्या होता है कि तीनों कैरेक्टर इसके जो ये बताते हैं कि हाँ ये जिनमें भी है वो सारे अपने कोऑर्डेटा के अंदर आते हैं। सो क्या, एक तो नोटोकॉर्ड होनी चाहिए उनके अंदर, ठीक है। एंड ए डोर्सल होलो नर्व, यानी कि जो पृष्ठ तंत्रिका नर्व जो होती है वो इसके अंदर होती है, और पेयर्ड फ्रेंजियल गिल्स, यानी कि गिल्स होते हैं वो जो पेयर्ड में होते हैं इसमें। देन दिस आर बायलेटरल सिमेट्री शो करेंगे। देन ट्रिपलोब्लास्टिक सिलोमेट्स विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे पोजेस अ पोस्ट एनाल टेल एंड अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसका ब्लड आर्टरी एंड वेन में फ्लो करता है। देन इसमें एनाल पे टेल होती है, यानी कि कह सकते पूछ होती है इसके अंदर, जो कि जब लार्वा स्टेज होती है या फिर जो चाइल्ड जब होते हैं तो उन सब में होती है, देखी जाती है, बट जब वो एडल्ट होते हैं तो उनमें नहीं होती है। फाइलम कोऑर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब फाइलम्स, ठीक है, फाइलम कोऑर्डेटा को अपन ने थ्री सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इसमें यूरो कोऑर्डेटा है, उसको अपन बोलते हैं ट्यूनिकेटा बोलते हैं। देन सेफेलो कोऑर्डेटा एंड वर्टेब्रा या वर्टिब्रा भी बोल सकते हैं आप इसे। अभी यहाँ पे मैंने
आपको दिखाने के लिए बताया है, डायग्राम में देख सकते हैं आपकी जो नर्व कोड होती है इसको नर्व कोड बोलते हैं, एंड नोटोकोड जो होती है ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे नोटोकोड एंड गिल स्लाइट, यानी गिल यानी कि जो मछलियों में जो होती है फिश, फिश में क्या होता है कि गिल्स होते हैं ठीक है, एंड जो इंसान होते हैं यानी कि ह्यूमन्स जो होते हैं उनमें भी जब वो बच्चा अपनी मदर के पेट में होता है उस टाइम भी उसमें गिल्स के थ्रू ही वो रिस्पायरेशन करता है, बट जब वो बड़ा हो जाता है तो गिल्स से नहीं बल्कि वो लंग से रिस्पायरेशन करता है। अब यहाँ पे देख रहा हूँ लास्ट आपको पोस्ट एनआर पार्ट है ये पीछे का। सो नर्व कोड जो है उसमें ठीक है, नोटोकोड और नर्व कोड ठीक है, ये दोनों होने चाहिए और गिल्स भी होने चाहिए या फिर लंग्स भी होने चाहिए उसके अंदर। अभी बात कर लेते अपन के कॉर्डेट और नॉन कॉर्ड में डिफरेंस क्या है, समझ में आ गया है क्या है बट डिफरेंस बात करते हैं। सो कॉर्डेट की अगर मैं बात करूँ तो ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, देन नॉन कॉर्ड में नहीं होते हैं। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम हिज डोर्सल होलो एंड सिंगल होता है कॉर्डेट्स में, एंड नॉन कॉर्ड्स की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल सॉलिड एंड डबल होता है। ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और आता भी है ये एग्जाम में। सो फेरिंग्स परफोरेट बाय गिल स्लाइट्स ठीक है, और इसमें क्या होता है कि गिल स्लाइट्स आर एब्सेंट, नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स नहीं होती है। एंड हार्ट इज वेंट्रल, कॉर्डेट्स में जो हार्ट होता है वो वेंट्रल होता है, देन हार्ट इज डोर्सल इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो डोर्सल। वेंट्रल डोर्सल का मैं बता दूँ जो ऊपर वाली सतह जो होती है ठीक है उसको डोर्सल बोलते हैं, देन नीचे वाली जो होती है उसको वेंट्रल बोलते हैं। ए पोस्ट एनाल पार्ट यानी कि टेल इज, टेल इज प्रेजेंट है तो ठीक है, एंड पोस्ट एनाल टेल इज अब्सेंट ठीक है, पोस्ट एनाल जो पीछे की जो टेल होती है वो अब्सेंट होती है किसमें, नॉन कॉर्डेट्स में, और कॉर्डेट्स में वो प्रेजेंट होती है। अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा हमने इसको कैसे डिवाइड किया है कॉर्डेट्स को। सो फाइलम कॉर्डेट्स की बात करते हैं, हमने इसमें टू सब ग्रुप बनाए हैं इसके पहले तो ठीक है, एक क्रिनेटा और इसको भी बोलते हैं अपन प्रोटो कॉर्डेटा भी बोलते हैं इसको ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि इसका मतलब होता है इसमें कौन से अपने एनिमल्स को रखा गया है, सो नो मतलब नो ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स और क्रेनियम जिसके अंदर नहीं होता है। देन सेकंड है कि कॉर्डेट्स में परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ एंड इज नॉट रिप्लेस्ड बाय द वर्टेब्रल कॉलम्स, यानी क्या होता है कि नोटोकोड उनके अंदर नहीं होता है ऐसा कह सकते हैं अपन ठीक है, नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होता लाइफ टाइम के लिए, प्रेजेंट नहीं होता है पूरी जिंदगी। अब क्रेनेटा की अगर बात करूँ या फिर इसको अपन वर्टेब्रा भी बोल सकते हैं, वर्टिब्रेटा, सो इसमें नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टेब्रल कॉलम्स ठीक है, नोटोकोड जो होती है वो रिप्लेस हो जाती है किसकी, वर्टेब्रल कॉलम से, यानी कि हम बोल सकते हैं रीढ़ की जो हड्डी होती है ठीक है, मेरू रज्जू जिसको अपन बोलते हैं उससे रिप्लेस हो जाती है वो। अभी बात करते हैं कि अपन ने जो एक क्रेनेटा पढ़ा या फिर प्रोटो कॉर्डेटा पढ़ा उसको टू टाइप टू फाइलम, उसके टू सब फाइलम है, यूरो कॉर्डेटा भी देखा अपन ने एंड सिफिलो कॉर्डेटा में डिवाइड किया गया है। सो इन दोनों को अपन एक साथ प्रोटो कॉर्डेटा भी बोल सकते हैं। अभी जो क्रेनेटा और क्रेनेटा जो है अपना ठीक है उसको अपन ने फिर सब टू सब फाइलम में डिवाइड किया है, एगेंथा और गेंथोस्टोमेटा ठीक है, इसको अपन वर्टिब्रा भी बोल सकते हैं, वर्टिब्रेटा भी बोल सकते हैं। और एगेंथा जो है इसको टू क्लासेस है, फर्स्ट है ओस्टाकोडर्मल एंड जो सेकंड है वो है साइक्लोस्टोमेटा, और जो गेंथोस्टोमेटा इसकी भी अपन ने टू सब क्लासेस में, सुपर क्लासेस में सॉरी, गेंथोस्टोमेटा को अपन ने टू सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया, फर्स्ट है पीसीज, उसकी कुछ क्लासेस है जैसे कि टेकोडर्मल है, देन कॉन्ड्रिक्थीज है एंड ओस्टिक्थीज है। अब जो टेट्रापोडा है ठीक है, टेट्रापोडा यानी कि ये भी इसी का इसी की सुपर क्लास है ठीक है, टेट्रापोडा इसको की कुछ क्लासेस है जैसे कि एम्फीबिया है, देन रेप्टाइल्स है, एविज है एंड मेमल्स है। अब बात करते हैं एक्रेनेटा और प्रोटोकोडेटा के बारे में। सो नो ब्रेन बॉक्स एंड क्रेनियम अपन ने अभी पढ़ा है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड एंड जॉस आर अब्सेंट होती है इसके अंदर, देन पेयर्ड अपेंडेजेस अब्सेंट होते हैं इसमें, अपेंडेजेस यानी कि जो पेयर्ड जो होते हैं पेयर्ड में नहीं होते अब्सेंट होते वो इसमें, इसको अपने टू टाइप से डिवाइड किया था, यूरोकोडेटा जिसको अपन ट्यूनिकेटा बोलते हैं और एक सिफिलोकोडेटा। सो यूरोकोडेटा मतलब क्या होता है, सो द मेंबर ऑफ दिस सब फाइलम्स आर मेरिन, इसके जो ये एक सब फाइलम है तो इसमें जो मेंबर होते हैं वो सारे मेरिन यानी कि समुद्र में पाए जाते हैं, एंड नोटोकोड इसके अंदर होती है एंड ही इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वा
टेल, यानी कि जो नोटोकोड होती है वो लार्वा टेल में ही प्रेजेंट होती है एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इसके अंदर। अब बात करते हैं सिफिलोकोड डेटा के बारे में। सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इज प्रसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। यानी क्या होता है, इसमें जो हेड से लगाकर टेल तक नोटोकोड होता है, ठीक है, सो लाइफ टाइम तक रहता है, इसमें तक रहता है। देन फेरिंग्स लार्ज एंड गिल पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ब्लड कलरलेस होता है एंड हार्ट अब्सेंट होता है इसमें। अब एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो यूरोकोड डेटा के कुछ एग्जांपल है, जैसे कि एसिडिया है एंड सेल्फा है, देन डोली ओलम है। और जो सिफिलोकोड डेटा के जो एग्जांपल है वो है ब्रेनकियोस्टोमा जिसको अपन बोलते हैं ऑक्सस और लेंसिलेट। अब बात करते हैं जो सेकेंड अपना क्रेनिएटा और वर्टिब्रेटा जो है उसके बारे में। ब्रेन बॉक्स एंड क्रेनियम इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंड वर्टेब्रेट्स हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विथ 2, 3 और 4 चैम्बर्स, ठीक है, हार्ट इसके अंदर प्रेजेंट होगा। और जो कुछ मस्कुलर हार्ट होता है, ठीक है, पेशी जो होती है हार्ट में, एक पेशी नुमा हार्ट होता है इसके अंदर। देन किडनी फॉर एक्सक्रीशंस एंड ऑस्मोरेगुलेशंस एंड पेयर्ड अपेंडिसेस, ठीक है, तो जो किडनी होती है इसके अंदर वो एक्सक्रीशन का काम करती है, ऑस्मोरेगुलेशन भी होता है इसके अंदर, यानी पराशन वगैरह जो भी होता है, एंड पेयर्ड अपेंडिसेस होते हैं इसके अंदर। वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकोड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक, तो वर्टिब्रेटा जो है वो प्रोसेस होती है, यानी कि बनी रहती है नोटोकोड टाइम ड्यूरिंग जब एम्ब्रियो रजिस्टर होती है इसकी, उसमें उसके बाद वो नोटोकोड अपना जो स्पाइनल कोड का ये ले लेती है, रूप ले लेती है, बदल जाती है उसमें। नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय अ कॉटिलेजस और बोनी वर्टेबल कॉलम्स इन द एडल्ट, ठीक है। सो जो इसकी नोटोकोड है वो क्या होता है, रिप्लेस हो जाती है कॉटिलेजिनियस और बोनी वर्टेब्रल में, ठीक है, कब होते हैं, जब वो एडल्ट हो जाता है उसके टाइम जो नोटोकॉड है वो रिप्लेस हो जाती है वर्टेब्रल कॉलम यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में। अभी ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है फ्लो चार्ट, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। सो वर्टिब्रेटा जो है उसको डिवीजन किया गया है एगेंता, यानी कि इसमें जो प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि जो अपने जबड़े होते हैं प्रेजेंट नहीं होते हैं। देन गैंथोस्टोमेटा में बियर्स जो यानी कि होते हैं। अभी अपन ने एगेंता को एक सुपर क्लास में डिवाइड किया है, साइक्लोस्टोमेटा जो कि अपन ने देख लिया है, और इसको टू सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, पीसीस एंड टेट्रापोडा। सो पीसीस के अंदर क्या होता है कि फाइंस जो होते हैं बियर्स, एंड इसके अंदर लिम्स होते हैं, ठीक, अंग होते हैं। अब क्लासेस की है लिपिसिस की, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टियोथिस, ठीक है, और जो टेट्रापोडा की जो क्लासेस है वो एम्फीबिया है एंड रेप्टिला है, एविस है, मेमल्स है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सो अब बात करते हैं अपन की जो वर्टिब्रेटा को अपन ने टू सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। अभी तक अपन ने क्या देखा, आप देख सकते हैं, अभी तक जो हमने देखा था यूरोकोड डेटा देख लिया एंड सिफिलोकोड डेटा भी देख लिया, ठीक है, जो कि दोनों किसके एक क्रेनेटा के पार्ट थे। अब जो क्रेनेटा वाला जो हमारा पार्ट है, ठीक है, जिसको अपन वर्टिब्रेटा भी बोलते हैं। सो वर्टिब्रेटा डिवाइडेड इनटू टू सब फाइलम, फर्स्ट एगेंता एंड गैंथोस्टोमेटा। सो जो प्रेजेंट है एगेंता में एंड गैंथोस्टोमेटा में, एगेंथा में जॉस अब्सेंट है एंड गैंथोस्टोमेटा में जॉस प्रेजेंट है, यानी कि जो जबड़े प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं इसकी जो फर्स्ट क्लास है वो है साइक्लोस्टोमेटा। सो साइक्लोस्टोमेटा मतलब क्या, सो द लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टो पैरासाइट्स ऑन सम फिशेस, ठीक है, जो साइक्लोस्टोमेटा कुछ मेंबर है वो एक्टो पैरासाइट यानी कि जो एक्टो यानी कि बाह्य परजीवी होते हैं कुछ मछलियों पर, ठीक है। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी, बियर्स 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स स्लिट्स फॉर रिस्पायरेशन। तो क्या होता है कि बॉडी जो होती है वो लंबे इसमें करीबन 6 से 15 पेयर्स होते हैं जो कि रिस्पायरेशन का काम करते हैं, गिल्स होते हैं यानी गिल्स में होते हैं पेयर्स जो रिस्पायरेशन का काम करते हैं। देन साइक्लोस्टोमेटा हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉस, ठीक है, सकिंग यानी कुछ चूषक ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है, पार्ट ऑर्गन होते हैं इनमें साइक्लोस्टोमोटा साइक्लोस्टोमेट्स में विदाउट जॉस, ठीक है, इसमें जॉस नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। देन देयर बॉडी इज डिवाइडेड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फाइंस, ठीक है, इसकी बॉडी को स्केल्स और जो पेयर्ड होते हैं पेयर्ड फाइंस होते हैं फिंस होते हैं उनमें डिवाइड किया गया है। देन क्रेनियम एंड वर्टेब्रल कॉलम्स आर प्रेजेंट होता है इसके अंदर। देन सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप। साइक्लोस्टोम्स आर मेरिन बट
माइग्रेट फॉर रिप्रोडक्शन टू फ्रेश वाटर, मतलब क्या है कि साइक्लोस्टोमेट्स जो होते हैं वो मेरिन यानी कि समुद्र में पाए जाते हैं, बट जब वो रिप्रोडक्शन करते हैं तो उनको फ्रेश वाटर की आवश्यकता होती है, सो वो रिप्रोडक्शन फ्रेश वाटर में करते हैं और वापस से वो मेरिन वाटर में चले जाते हैं यानी समुद्र में चले जाते हैं। तो आफ्टर रिप्रोडक्शन विद इन अ फ्यू डेज जो रिप्रोडक्शन करते हैं उसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों के बाद वो मर जाते हैं। देयर लार्वास आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियंस, ठीक है, जब उनके जो लार्वा बनते हैं, लार्वा यानी कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो लार्वा बनते हैं, तो उसके जो लार्वा होते हैं आफ्टर मेटामॉर्फोसिस यानी कि जो पीढ़ी का जो एकांतरण हो चुका है, रिप्रोडक्शन हो चुका है, ठीक है, सो उसके बाद वापस वो मेरिन यानी कि ओशियन में चले जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करो तो पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन इसका एग्जाम्पल है, इसको अपन बोलते हैं लेम्प्री, लेम्प्री भी बोलते हैं, देन माइक्सिन जिसको अपन बोलते हैं हैगफिश। सो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये सब। अब इसका जो सेकंड सब फाइल है उसको अपन बोलते हैं गैंथोस्टोमेटा। सो गैंथोस्टोमेटा की दो सुपर क्लासेस है, एक तो पीसीज और एक टेट्रापोडा, अपन ने बात करी थी अभी। जो इसकी जो क्लास है पीसीज की, जो फर्स्ट क्लास है पीसीज और टेट्रापोडा दोनों सुपर क्लास हो, पीसीज की जो क्लास है वो है फर्स्ट क्लासेस की कॉन्ड्रिक्टीज जिसको अपन बोलते हैं इलेस्मोब्रेन की भी बोलते हैं इसको। सो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है कि दे आर मेरिन एनिमल्स, ये भी सारे समुद्र में पाए जाते हैं, एंड स्केलेटन्स आर मेड अप ऑफ कार्टिलेज, इसका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है यानी कि स्मूथ होता है, हैव गिल्स फाइंस एंड टूथ लाइक स्केल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, गिल्स जो होते हैं जो टूथ लाइक स्ट्रक्चर मतलब स्केल्स जैसे होते हैं, एंड नोटोकॉड इज अ पर्सिस्टेंस थ्रू आउट लाइफ। तो इसका जो नोटोकॉड है वो लाइफ टाइम बना रहता है, ठीक है, हार्ट इज अ टू चैम्बर्स यानी कि वन आर्टिकल एंड वन वेंट्रिकल होता है इसके अंदर, देन सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स यानी कि टॉर्पेडो जो है एंड पॉइजन स्टिंग जो टाइडेगोन। सो ये ध्यान रखना आपको कि इलेक्ट्रिकल ऑर्गन किस में होते हैं, तो वो होते हैं कॉन्ड्रिक्टीज के अंदर, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं, एक और नाम है इसका इलेस्मोब्रेंकी, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है जिसका एग्जांपल है टॉर्पेडो, ये एग्जांपल ध्यान रखना आपको, टॉर्पेडो ऐसा फिश है जिसमें इलेक्ट्रिकल ऑर्गन होते हैं एंड पॉइजन स्टिंग भी होते हैं इसमें, जिसमें टाइरोकोन में, दे आर कोल्ड ब्लडेड, इनका ब्लड कोल्ड होता है जिसको अपन बोलते हैं किलोथर्मस एनिमल्स यानी जिनका ब्लड कोल्ड होता है, ठंडा होता है इनका ब्लड। सेक्स आर सेपरेट होते हैं इनके अंदर, मेल एंड फीमेल अलग होते हैं, इन मेल्स पेल्विक फिंस बियर क्लस्पर यानी कि इनमें मेल्स में क्या होता है पेल्विक का एक पार्ट होता है, ठीक है, ऑर्गन होता है जिसको अपन बोलते हैं क्लस्पर, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इनके अंदर एंड मेनी ऑफ देम आर विवीपेरस, ठीक है, मैंने पहले भी बताया आपको कि विवीपेरस मतलब क्या होता है, जो कि बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है, अंडे नहीं देते हैं उनको बोलते हैं विवीपेरस। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो स्कोलियोडोन जिसको डॉग फिश बोलते हैं, देन प्रिस्टिस जिसको साफ फिश बोलते हैं, कार्केरोडोन जिसको अपन बोलते हैं ग्रीट वाइट शार्क, ठीक है, देन टाइरोगोन अभी आया स्टिंग रे बोलते हैं इसको, टाइरोगोन आपका ध्यान आपको ध्यान रखने वाली बात है, टाइरोगोन जो है वो पॉइजन स्टिंग है, फिश ही आती है इसके अंदर, मछलियाँ आती है। एग्जाम्पल यानी डायग्राम दिया है मैंने दोनों कॉटिलेजियस फिशेस है दोनों, सेकंड क्लास है उसको अपन बोलते हैं ऑस्टिक्थिस, इट इंक्लूड्स बोथ मेरिन एंड फ्रेश वाटर फिशेस, ठीक है, इसके अंदर मेरिन एंड फ्रेश वाटर फिशेस दोनों आती है, देन कॉल्ड अ बोनी फिश भी बोलते हैं इसको, बोन होती है उनके अंदर, बोनी जो होती है वो फिशेस, देन स्केलेटन्स आर मेड अप ऑफ बोन्स, इसका स्केलेटन्स जो बोन्स का बना होता है, अभी देखा था अपन ने जो अपना साइक्लो जो अपना कॉन्ट्रिक्टिस था उसकी जो बोन होती है वो कॉटिलेज की बनी होती है, और इसकी जो बोन है वो इसका जो स्केलेटन है वो बोन का बना होता है, देन इट्स आल फ्लैटलेट एंड स्किन इज कवर्ड विद साइक्लोइड एंड क्नेटोइड स्केल्स होते हैं, ठीक है, स्केल्स जो होते हैं इनमें जो शल्क होते हैं वो फ्लैट यानी कि समतल होते हैं, फ्लैट एंड स्किन कवर्ड होती है पूरी साइक्लोइड से, दे हैव फोर पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय एन ऑपरकुलम ऑन इच साइड, ठीक है, इसके चार मतलब फोर पेयर्स में गिल्स होते हैं और सभी कवर होते हैं किससे, ऑपरकुलम से, ऑन ईच साइड हर साइड से, एयर ब्लेडर्स प्रेजेंट विच रेगुलेट्स बोन्सी, ठीक है, हार्ट इज अ टू चैम्बर्ड होता है जिसमें वन ओरिकल एंड वन वेंट्रिकल, ओरिकल को अपन
आर्टिकल भी बोलते हैं, आर्ट्रियम भी बोल सकते हैं आप, ओरिकल को आर्ट्रियम भी बोल सकते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, देन सक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज यूजली एक्सटर्नल होता है। सो दे आर मोस्टली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इन डायरेक्ट, ठीक है, इनका जो होते हैं ओविपेरस यानी कि ये जो है ना ओविपेरस ये अंडे देते हैं और डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट नहीं होता है। एंड मेरिन जो में जो रहते हैं उनके एग्जाम्पल की अगर बात करें एक्सोकोइटस एंड जिसमें जिसको अपन फ्लाइंग फिश बोलते हैं, देन हिप्पोकैम्पस जिसको अपन बोलते हैं सी हॉर्स यानी कि समुद्री घोड़ा, एंड फ्रेश वाटर के अंदर जो रहते हैं उसमें लेबियो आता है जिसको रोहू बोलते हैं, देन कतला यानी कि कतला जिसको बोलते हैं, एंड क्लेरिस 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 को अपन बोलते हैं मेगा एक्वेरियम यानी कि जो पानी के अंदर ही रहते हैं यानी कि फ्रेश वाटर में बोल सकते हैं एक्वेरियम। बेटा जिसमें फाइटिंग फिश आती है, देन टेरोफाइलम इसको बोलते हैं एंजल फिश, ठीक है। सो मैंने कुछ एग्जांपल यानी कि डायग्राम दिए हुए जो कि एनसीईआरटी के में ही दिए, एनसीईआरटी के ही हैं। एग्जांपल ऑफ बोनी फिश जो है उसमें हिप्पोकैम्पस दे रखा है, देन बी वाला जो है वो कतला है, तो देख सकते हैं आप ये हिप्पोकैम्पस है यानी कि समुद्री घोड़ा और ये कतला है। अब सुपर क्लास की बात करते हैं टेट्रापोडा, टेट्रापोडा जो सुपर क्लास है उसकी जो क्लास है फर्स्ट क्लास उसकी एम्फीबिया है। आप अच्छी तरह से जानते हैं एम्फीबिया क्या होता है, उभयचर को बोलते हैं। एम्फी मतलब क्या है, सो ग्रीक वर्ड एम्फी का मतलब होता है कि ड्यूल यानी कि दो, एंड बायोस मतलब कि लाइफ, यानी कि एम्फीबिया का मतलब ये होता है कि जो इसके जो ऑर्गेनिज्म है इसके जो जीव है वो दो जगह रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और अपना जो जमीन होती है स्थल उस पर भी रह सकते हैं यानी कि टेरेस्ट्रियल जिसको हम बोलते हैं। सो एम्फीबियंस कैन लाइव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, ठीक है, यानी कि पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक्स टेल में बी प्रेजेंट इन सम, सो इनकी बॉडी सिर्फ हेड एंड ट्रंक में डिवाइड होगी बट किसी किसी में टेल यानी पूंछ भी होती है। द एम्फीबियंस स्किन इज मोस्ट यानी कि विदाउट स्केल्स, इसके ऊपर कोई स्केल्स शल्क नहीं होते, इसकी स्किन जो होती है वो मोस्ट होती है। आपने मेंढक देखा होगा, मेंढक की स्किन कैसी होती है, बिल्कुल स्मूथ नहीं होती है ना, वैसी ही होती है, मोस्ट नमी वाली होती है। एंड द आईज हैव आईलिड्स ए टिपेनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, यानी कि इनमें क्या होता है कि आईस इसकी जो होती है आईलिड होते हैं इसके, ठीक है। एंड एलिमेंट्री कैनाल्स यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड बोलते उसको क्लोका, क्लोका विच ओपन्स इन द एक्सटेरियर, यानी कि इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, यूरिनरी जो होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होते हैं वो सारे एक ही होल से बोल सकते चैम्बर से ओपन होते हैं जिसको अपन बोलते हैं क्लोका। रिस्पायरेशन इज बाय गिल्स के थ्रू होता है, लंग्स से भी होता है, एंड थ्रो स्किन, स्किन से भी हो सकता है रिस्पायरेशन, गिल्स से भी होता है जब पानी में रहते हैं, लंग्स से भी होता है जब ये जमीन के ऊपर रहते हैं, और स्किन से भी होता है। द हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड होता है इसके अंदर, टू तो इसमें ओरिकल्स होते हैं, देन एक वेंट्रिकल होता है इसमें। दिस आर कॉल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये भी कॉल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, देन सक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, ये भी ओविपेरस होते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बूफो जिसको अपन टोड बोलते हैं, देन राना टिग्रिना, मेंढक का एक साइंटिफिक नेम है राना टिग्रिना जिसको फ्रॉग बोलते हैं, हाइला यानी कि ट्री जो फ्रॉग होते हैं ट्री फ्रॉग, देन को अपन बोलते हैं सालमेंडर एंड इक्थायोपिस जिसको अपन बोलते हैं लिम्बलेस एम्फीबिया, लिम्ब नहीं होते इसके लिम्बलेस। सो दोनों एग्जाम्पल दिए मैंने जो कि एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, एक तो सालमेंड्रा है और एक है अपना राना टिग्रिना यानी कि फ्रॉग जो कि मेंढक जिसको अपन बोलते हैं। इसकी जो सेकंड क्लास है वो रेप्टिलिया है, जिसमें लैटिन अगर वर्ड की बात करूँ मैं तो रिपेयर बोल सकते हैं और रेप्टम भी बोल सकते हैं। टू क्रिप और कोवेल यानी कि जो रेंकर जो चलते हैं, यानी कि आपने सांप देखे होंगे, ठीक है, कोबरा वगैरह, सो छोटे सांप भी देखे होंगे आपने, तो जो रेंकर चलते हैं यानी कि रेंकर जो चलते हैं उनको अपन बोलते हैं रेप्टिलिया, यानी कि इस क्लास के अंदर उनको रखा गया है। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन के ऊपर ही रहते हैं, एंड दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स, टेम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर्स, तो इनमें क्या होता है कि एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते जैसे अपन में होते हैं, टेम्पेनम जो होते हैं इनके अंदर, ठीक है, जो कर्ण पटल जो होता है वही शो करता है इनका कि हाँ यही कान है। एंड लिम्ब्स व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर्स, इसके अंदर लिम्ब्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं पेयर्स में, टू पेयर्स में। सो हार्ट इज यूजली थ्री चैम्बर्ड बट फोर चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स, यानी कि इसमें जो हार्ट होता है वो थ्री चैम्बर होता है बट एक्सेप्शन इसमें मगरमच्छ का है, जो कि फोर चैम्बर का उसका होता है हार्ट,
क्रोकोडाइल्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथेमस, यानी कि ये भी एक कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठंडा ब्लड होता है इनका भी। एंड स्नैक्स एंड लिजार्ड्स शेड देयर स्केल्स ऑन स्किन कॉस्ट, ठीक है। स्नैक्स जो होते हैं सांप, एंड जो लिजार्ड जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि उनकी जो ऊपर की जो स्किन होती है, ठीक है, कास्ट जो होती है उसको निकाल देती है। आपने देखा होगा सांप वगैरह जो होते हैं वो ऊपर की स्किन जो होती है वाइट कलर की, वो निकाल देते हैं, फिर नहीं आ जाती उनकी, ठीक है। सेक्स सांप सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल होता है। देन दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ठीक है। सो ये भी ओविपेरस होते हैं, ठीक है, अंडे देते हैं। एंड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं सिलोन, यानी जिसको अपन टर्टल बोलते हैं। देन टेस्टुटो, उसको टॉइस बोलते हैं। सेकेंड है कि चेमिलियन जो होता है जिसको अपन ट्री लिजार्ड बोलते हैं। देन एक और होता है कि कोलेट्स जिसको अपन बोलते हैं गार्डन लिजार्ड्स। एंड क्रोकोडाइल्स जिसको अपन बोलते हैं क्रोकोडाइल। एंड एलिगेटर जिसको बोलते हैं एलिगेमिडेक्टेरस जिसको अपन बोलते हैं वाल लिजार्ड्स। लिजार्ड्स मतलब जो चिपकली जो होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं लिजार्ड। आपके घर में भी होगी ये तो वाल लिजार्ड। एंड पॉइजनस स्नैक्स जो होते हैं जैसे कि नाजा, यानी कि कोबरा। एंड बेनगेरस यानी कि क्रेट जो होते हैं। देन विपेरा यानी कि वाइपर। सो ये सब एग्जाम्पल हैं अपने रेप्टिलिया के, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं अपन की जो अपना थर्ड क्लास है इसी का, टेटापोडा का, एविस। एविस को अपन बर्ड्स भी बोलते हैं। एंड द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स। एग्जाम्पल इसका ऑस्ट्रिच, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि जो फ्लाइटलेस बर्ड्स जो होता है यानी जो उड़ नहीं सकता है ऐसा पक्षी कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रिच। ये एग्जाम्पल ध्यान रखना आप। सो जिनमें फेदर होते हैं, पंख होते हैं, और जो उड़ सकते हैं उसको इसमें एविस में रखा गया है। बर्ड्स आते हैं इसमें, दे पॉजेस बिक, इनके अंदर बिक होती है, चोंच होती है। द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, इनके जो फोर लिम्स यानी कि आगे के जो लिम्स होते हैं, ठीक है, सो वो क्या होते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स यानी पंख के अंदर। एंड द हिंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस, ठीक है। सो इसके जो पीछे वाले जो लिम्स होते हैं वो क्या होते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं चलने के लिए, तैरने के लिए, ठीक है, दौड़ने के लिए एंड चढ़ने के लिए पौधों के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। एंड स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ द टेल। इसके अंदर ग्लैंड्स नहीं होती है, कौन सी भी ऑयल ग्लैंड्स नहीं होती है, बट इसकी जो टेल होती है, पूंछ होती है, उसमें ऑयल ग्लैंड्स होती है। देन एंडोस्केलेटन इज फुली ओसिफाइड बोनी होता है, इसका एंडोस्केलेटन जो होता है यानी कि इसका जो अंत कंकाल जो होता है वो बोनी होता है। एंड द लॉन्ग बोन्स आर होलो विथ एयर कैविटीज, जिसको अपन बोलते हैं न्यूमेटिक। सो इसकी जो लंबी जो बोन होती है, ठीक है, हड्डियाँ होती हैं वो होलो होती है, यानी कि होलो होती है, ठीक है, और एयर कैविटीज यानी कि एयर कैविटीज होती है, एयर उनमें पास हो सकती है, ऐसी होती है इसकी बोन, तभी तो आपने देखा होगा पक्षी जो होते हैं उड़ सकते हैं। अब बात करें द डाइजेशन ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर्स द क्रॉप एंड गिजार्ड्स, ठीक है। इसमें क्या है, जो डाइजेशन होता है, ठीक है, बर्ड्स में उसमें कुछ चैम्बर होते हैं जिसको अपन क्रॉप एंड गिजार्ड बोलते हैं, जहाँ पर इनका डाइजेशन होता है। हार्ट इज कम्प्लीटली फोर चैम्बर होता है इसके अंदर, ठीक है, टू आट्रियम और एंड टू वेंट्रिकल। एंड दे आर वर्म ब्लडेड, इनका जो ब्लड है वो वर्म ब्लडेड यानी गर्म होता है, और होमियोथर्मस होते हैं, यानी कि अपने बॉडी का जो ब्लड होता है अपने बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आर एबल टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर्स, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। देन रिस्पायरेशन इज बाय लंग्स के थ्रू होता है। देन सक्सेस आर सेपरेट फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। सो ये ओविपेरस होते हैं यानी कि ये भी अंडे देते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करो तो कॉर्वस एग्जाम्पल यानी को यानी कौवा आपने देखा होगा, ठीक है। एंड कोलम्बा एप्टेनोलाइट्स जिसको अपन बोलते हैं पेंगुइन। एंड नियोफ्रॉन जिसको अपन बोलते हैं वल्चर। पिसेटिकुला पैरेट यानी तोता जो देखा होगा आपने। स्ट्रुथियो यानी कि ऑस्ट्रिच जो है ये उड़ नहीं सकता है, ऐसा बर्ड है जो कि उड़ नहीं सकता है। एंड पेवो जिसको अपन बोलते हैं पीकॉक,
ये कुछ एग्जांपल है जो कि दिए हुए एनसीईआरटी में भी, और यहाँ पे मैंने बताया हुआ है डायग्राम। नेक्स्ट क्लास है वो है मेमल्स या फिर मेमेलिया बोल सकते हैं आप इसे। सो इसमें कहते हैं दे आर फाउंड इन अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, यानी कि सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे कि पोलराइज कैप्स एंड डेजर्ट्स में है, माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में है, देन ग्लास लैंड्स एंड डार्क कैव्स। ठीक है, सम ऑफ देम हैव अडॉप्टेड टू फ्लाई और लाइव इन वाटर। ठीक है, लिव इन वाटर। सो सभी जगह पाए जाते हैं, जहाँ पे भी आप मतलब एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक जीव के लिए जहाँ वो रह सकता है वहाँ सभी जगह ये पाए जाते हैं मेमेलिया। और द प्रेजेंस ऑफ अ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स मेमेरी ग्लैंड्स, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि इनके अंदर मेमेलियन यानी कि मेमेलियन ग्लैंड्स यानी कि जो मेमेरी ग्लैंड्स होती है वो पाई जाती है, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स एडॉप्टेड फॉर वॉकिंग रनिंग एंड क्लिम्बिंग, इसके बाद ब्रोविंग स्विमिंग और फ्लाइंग। तो इसके अंदर क्या होता है, टू पेयर्स लिम्स होते हैं, ठीक है, जो सभी काम करते हैं जो कर सकते हैं, वॉकिंग रनिंग क्लिम्बिंग, ठीक है, स्विमिंग। एंड द स्किन ऑफ मेमल्स इज यूनिक इन पॉजेसिंग हेयर्स, सो इसकी जो स्किन होती है उसके ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं, ये भी एक कैरेक्टर इनका। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जो, इनके जो यानी कि जबड़े में अलग अलग टाइप के टीथ पाए जाते हैं। हार्ट इज फोर चैम्बर्ड होता है, दे आर होमियोथर्मस, रिस्पायरेशन इज बाय लंग्स। ठीक है, होमियोथर्मस होते हैं यानी कि होमियोथर्मस होते हैं यानी कि अपना ब्लड जो है वो मतलब वार्म ब्लडेड होते हैं, और रिस्पायरेशन इज बाय लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन होते हैं। आर वी पेयर्स विथ अ फ्यू एक्सेप्शन एंड डेवलपमेंट हिज डायरेक्ट, कुछ सारे वीवी पेरस होते हैं बट कुछ एक्सेप्शन है। सो एग्जाम्पल दिया उसने कि जो वीवी पेरस जो होता है, ठीक है, ओमिथोर हाइकन्स जो होता है यानी कि प्लेटिपस जो है, ये एक ओवी पेरस है, बाकी सारे वीवी पेरस होते हैं। इसमें एग्जाम्पल याद रखना आपको कि वीवी पेरस में मैक्रोपस आता है जिसको कंगारू बोलते हैं, देन टिनोप्स जिसको फ्लाइंग टेरोप्स जिसको फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं, एंड कैमल्स जिसको कैमल बोलते हैं, ऊँट को बोलते हैं कैमल, एंड मेकाका जिसको अपन बोलते हैं मंकी, रेटलस यानी कि रेट, कैनिस मतलब डॉग, फेलिस मतलब कैट, एफेस यानी कि एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, एंड डेल्फिनस कॉमन डेल्फी डेल्फिन, एंड बिलेनोप्टेरा ब्लू वेल, ब्लू वेल को बिलेनोप्टेरा बोलते हैं, जो कि एक स्तनधारी है, जो कि एक मेमेलियंस है जो पानी में रहती है। एंड पेंथेरा टर्गिस जिसको टाइगर बोलते हैं, एंड पेंथेरा लियो जिसको लोयन बोलते हैं। ये सारे एग्जांपल हैं इसके, यहाँ पर कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं मैंने। सो सम एनिमल्स है इसमें, कुछ एनिमल्स। यहाँ पर हमारा एनिमल किंगडम ख़त्म होता है, अब हम बात करेंगे जो कि एक एनसीईआरटी फ्लो चार्ट दिया हुआ है, जिससे आपको जितने भी फाइलम है उनको मेमोराइज करने में आसानी होगी। तो चलिए बात करते हैं अब उस फ्लो चार्ट के बारे में। हम इस फ्लो चार्ट में देखेंगे जो भी जितने भी फाइलम्स है, देन हमने जो 6 कैरेक्टर पढ़े थे स्टार्टिंग में उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारा जो फर्स्ट फाइलम है पोरीफेरा, तो पोरीफेरा में क्या होता है कि एक सेलुलर लेवल होता है ऑर्गेनिज्म, एंड सिमेट्री की अगर बात करें तो इसमें वेरियस सिमेट्री होती है, ठीक है, जनरली इसमें रेडियल होती है बट बहुत सारे टाइप की देखी गई है, वेरियस बायलेटरल भी होते हैं कभी कभी, देन सीलम की बात करें तो अपसेंट होता है, देन सेगमेंट्स अपसेंट होते हैं इसके अंदर, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो भी अपसेंट होता है, एंड सर्कुलेटरी सिस्टम अपसेंट होता है, और रिस्पायरेशन सिस्टम भी अपसेंट होता है। बट इसके जो मेन फीचर्स होते हैं, ठीक है, क्या होता है कि बॉडी जो होती है, बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं, यानी कि बॉडी विथ पोर्स एंड कैनाल्स इन वॉल्स, ठीक है, तो इसकी बॉडी बहुत सारे पोर्स होते हैं, कैनाल्स होती है। और जो हमारा सेकंड वाला जो फाइलम है, ठीक है, कौन सा था आपको पता है कि जो कोंड्रिया बोल सकते हैं आप इसको, या फिर सिलेंट्रेट बोल सकते हैं, देन टीनोफोरा, सो इन दोनों में ये अपन साथ साथ पढ़ेंगे क्योंकि दोनों में क्या होता है, सेम होता है, सिलेंट्रेट और टीनोफोरा में क्या होता है, टिश्यू लेवल होता है दोनों में, देन रेडियल सिमेट्री होती है इनमें, और जो इनका सीलोम होता है तो इनमें सीलम अब्सेंट होती है, ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी अब्सेंट होता है इनके अंदर, देन सेगमेंट्स भी नहीं होते इनके अंदर, यानी कि सो
इनके अंदर जो सेगमेंट्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, डाइजेशन जो है वो इनकम्प्लीट होता है इनके अंदर, और सर्कुलेशन वो एब्सेंट होता है, और रिस्पायरेशन भी एब्सेंट होता है। बट जो मेन फीचर है सिलेंड्रेट्स के, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है, कुछ सेल्स होते हैं अपने पढ़ा था जो दंश कोशिका होती है, नीडोब्लास्ट होती है, ठीक है, सो प्रेजेंट होती है। और जो टीनोफोरा है, टीनोफोरा के अंदर क्या होता है कि जो कॉम्ब प्लेट्स होती है, ठीक है, कॉम्ब प्लेट्स फॉर इनकोमोशंस, ठीक है, तो कॉम्बो प्लेट्स प्रेजेंट होती है इनके अंदर, टीनोफोरा के अंदर। बात करते हैं अपन कि जो अपना प्लेटी हेलमेंथिस होता है, ठीक है, तो प्लेटी हेलमेंथिस और एसके हेलमेंथिस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। सो प्लेटी हेलमेंथिस में क्या होता है कि ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, ठीक है, और जो अपना एसके हेलमेंथिस होता है उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। प्लेटी हेलमेंथिस में जो होता है वो बायलेटरल सिमेट्री होती है, और इसमें सेगमेंट्स एब्सेंट होते हैं, उसके बाद सीलोम भी एब्सेंट होती है इसके अंदर, डाइजेशन इनकम्प्लीट होता है, रिस्पायरेशन और सर्कुलेशन दोनों एब्सेंट होते हैं। बट इसमें जो फीचर इसके फ्लैट बॉडी होती है इसकी एंड शुगर्स होते हैं, फ्लैट बॉडी यानी कि जो चपटे गर्मी होते हैं, शुगर्स यानी कि जो इनकी बॉडी में कुछ होते हैं ऐसे दांत जैसे बोल सकते हैं अपन उनको, इनको शुगर्स बोलते हैं। और जो एसके हेलमेंथिस होती है उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री होती है इनके अंदर, देन ये इंपॉर्टेंट है बहुत कि स्यूडोसिलोमेट्स होती है, ठीक है, प्लेटी हेलमेंथिस में एब्सेंट होती है, बट जो एसके हेलमेंथिस उसमें स्यूडोसिलोमेट्स होती है, एंड जो सेगमेंटेशन है वो भी एब्सेंट होता है, डाइजेशन इसमें कंप्लीट होता है, सर्कुलेशन और रिस्पायरेशन दोनों एब्सेंट होते हैं। इनके जो इंपॉर्टेंट फीचर है तो वो ऑफन वॉर्म शेप्ड के होते हैं, ठीक है, गोल कर्मी जिनको अपन बोलते हैं और इलोंगेटेड होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एनलिडा क्या होता है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है इसके अंदर, एंड बायलेटरल सिमेट्री होती है, एंड सिलोमेट्स होते हैं, ठीक है, टू सिलोमेट्स होते हैं, सिलोम पाई जाती है इनके अंदर, एंड इसके बाद जो सेगमेंटेशन होता है वो प्रेजेंट होता है इनमें, ठीक है, सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अपने अर्थवर्म देखा था तो उस वो भी इसी के अंदर आता है, डाइजेशन कंप्लीट होता है, एंड इसमें रिस्पायरेशन भी प्रेजेंट होता है, सॉरी रिस्पायरेशन इसमें एब्सेंट होता है बट सर्कुलेशन इसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आर्थ्रोपोडा होता है, तो आर्थ्रोपोडा में भी ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, देन सिमेट्री बायलेटरल होती है सिमेट्री, और सिलोमेट्स प्रेजेंट होती है इसके अंदर जो कि ट्रू होती है, और उसके बाद सेगमेंट्स की अगर बात करें तो उसमें प्रेजेंट होते हैं, और डाइजेशन इसमें कंप्लीट होता है, उसके बाद रिस्पायरेशन और सर्कुलेशन दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब स्पेशल फीचर या फिर कैरेक्टर की बात करें अपन इसमें, तो इसमें क्या होता है कि एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल, यानी कि जो बाहर का जो इसमें स्केलेटन होता है यानी कंकाल होता है वो क्यूटिकल का होता है, एंड जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है, उपांग जिसको पैर इसके जो होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि जो मोलस्का होता है अपना, मोलस्का में भी ऑर्गन सिस्टम लेवल है, देन बायलेटरल सिमेट्री है, उसके बाद सिलोमेट्स इसमें प्रेजेंट है, एंड जो इसमें सेगमेंटेशन है वो एब्सेंट है, उसके बाद डाइजेशन इसमें कंप्लीट होता है, ठीक है, कंप्लीट का मतलब मैंने बताया था आपको कि जो एक माउथ और एनस होगा, ठीक है, उसके बाद रिस्पायरेशन और सर्कुलेशन दोनों प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ अ शेल यूजली प्रेजेंट, ठीक है, इसमें जो एक्सटर्नल जो बाहर का जो स्केलेटन होता है, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है शेल के रूप में प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ये स्पेशल फीचर या फिर कैरेक्टर इसका। उसके बाद इकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं अपन, तो इकाइनोडर्मेटा में ऑर्गन सिस्टम लेवल प्रेजेंट होगा, एंड रेडियल सिमेट्री होती है इसमें, ये ध्यान रखना आपको कि इकाइनोडर्मेटा के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। देन उसके बाद सिलोमेट्स होते हैं ये भी, ठीक है, सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, डाइजेशन कंप्लीट होता है, सर्कुलेशन एंड रिस्पायरेशन दोनों प्रेजेंट होते हैं। अगर अपन स्पेशल फीचर की बात करते हैं इसके अंदर, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है इसके अंदर, देन रेडियल सिमेट्री, ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं अपन कि हेमिकोडेटा क्या होता है, तो इसमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, सिलोमेट्स होते हैं, एंड जो सेगमेंटेशन वो एब्सेंट होता है, डाइजेशन कंप्लीट है उसके अंदर, एंड सर्कुलेशन एंड रिस्पायरेशन दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं वर्म लाइक विद प्रोबेंसिस कॉलर एंड ट्रंक्स, तो इसकी जो बॉडी होती है वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, देन इसकी बॉडी जो होती है प्रोबोसिस और कॉलर एंड ट्रंक में डिवाइडेड होती है, थ्री पार्ट में डिवाइडेड होती है। अब बात करते हैं कोडोटा जो कि अभी पढ़ा अपन ने, इसमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, देन सिलोमेट्स होते हैं प्रेजेंट, सिलोमेट्स होते हैं, देन सेगमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं ऐसा बोला गया है, एंड डाइजेशन कंप्लीट होता है, रिस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं कि कैरेक्टर्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इसके, या फिर कैरेक्टर्स क्या इंपॉर्टेंट, तो उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है अपन ने देखा था, देन डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड ये भी प्रेजेंट होती है, देन इट्स विद अ लिम्स और फाइन्स, ठीक है, ये प्रेजेंट होती है इसके अंदर। सो तीनों फीचर यानी तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि नोटोकॉर्ड होती है, देन डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड भी होती है इसके अंदर, जिसको अपन पृष्ठ तंत्रिका रज्जू या फिर रज्जू बोल सकते हैं,
गिल होते हैं इसके अंदर, गिल्स जो होते हैं, एंड लिम्स और फिन्स पाए जाते हैं। सो ये हो गया अपना पूरा फ्लो चार्ट, जिससे आपको रिमेम्बर करने में आसानी होगी। सो यहीं पर अपना पूरा एनिमल किंगडम फिनिश होता है, ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, और जो यूनिट होगी हमारी वो भी सेकेंड यूनिट होगी। फर्स्ट यूनिट यहाँ पे ख़त्म होती है इसी चैप्टर के साथ। आपकी जो भी क्वेरीज है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरे को शेयर कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, एंड आपके जो भी सजेशन है आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि हमें क्या और इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। सो थैंक यू।